तो आज बेहद खुशी है कि मुकेश साहनी जी ने आज महागठबंधन जो है उसमें शामिल हुए हैं और हम सब लोग पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार सभी हमारे महागठबंधन के सभी साथी इनका हम लोग स्वागत करते हैं। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आज शामिल हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले महागठबंधन में हम लोगों ने सीटों का ऐलान कर दिया, सीटें बता दी गई है, कौन सा सीट कांग्रेस के खाते में गया और कौन से सीटें जो है लेफ्ट पार्टियों के खाते में गए और कौन कौन लोग कितने कितने सीटों पर लड़ेगा। तो आज मुकेश साहनी जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है बिहार के हित के लिए, संविधान और लोकतंत्र आरक्षण को बचाने के लिए। तो हम लोग इनका स्वागत करते हैं और साथ ही साथ हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि इनको साथ लेकर के हम चलने का काम करें और इनको भी सम्मान दें। तो उसी तर्ज पर जैसा आप लोगों के जानकारी में है, जैसा महागठबंधन ने ऐलान किया था इसी जगह पे कि 26 सीटें जो है राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी, तो हम राष्ट्रीय जनता दल अपने कोटे में से उस 26 सीटों में से हम 3 सीट जो है मुकेश साहनी जी को, हमारे पार्टी का निर्णय हुआ है, पार्टी का निर्णय हुआ कि 3 सीटें जो है वो मुकेश साहनी जी को दी जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।